वेलकम फ्रेंड्स, आई एम गौतम द्विवेदी और आज का हमारा टॉपिक है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। इससे पिछले दो वीडियो में मैं आपको वर्कबिलिटी के टेस्ट बताया, कौन कौन से टेस्ट, स्लम टेस्ट बताया। पहला टेस्ट जो मैंने वर्कबिलिटी का ज्ञात करने के लिए, वर्कबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमने जो टेस्ट किया था, पहला टेस्ट हमारा था स्लम टेस्ट। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो मैंने दूसरे वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे हम कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं वर्कबिलिटी को फाइंड करने के लिए। आज का हमारा ये वीडियो वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट पे आधारित है। कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं, इसको करने के क्या फ़ायदे हैं, बाकी स्लम टेस्ट और कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट के अलावा हम इसको क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है हमको इस टेस्ट को करने की। तो इसके एडवांटेज को हम जानेंगे, प्रोसेस को जानेंगे कि कैसे कैसे इस प्रैक्टिकल को करते हैं, इसमें कौन कौन से अपरेटस लगते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट टॉपिक को। वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट को हिंदी में कहते हैं वीवी सघनता मापी परीक्षण। वीवी सघनता मापी परीक्षण हम इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक। तो हम लोग, ये थोड़ा हिंदी में नाम टफ है इसीलिए इंग्लिश वाला नाम हम लेके आगे बढ़ेंगे, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, ठीक। वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट हम क्यों कहते हैं, कंक्रीट की वर्किबिलिटी, स्वीकार्यता या सघनता को ज्ञात करने के लिए कि हमारा टेस्ट कितना वर्किएबल है, वर्किएबल क्या है तो कितना कंसिस्टेंट है, इसी चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कंक्रीट की स्वीकार्यता इसकी सघनता माप कर भी ज्ञात की जाती है। जो कंक्रीट की स्वीकार्यता है वो कंक्रीट की इस सघनता माप कर भी हम ज्ञात कर सकते हैं, सघनता के हिसाब से भी, सघनता की वैल्यू से भी हम कंक्रीट की वर्कबिलिटी का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कंक्रीट की वर्कबिलिटी कितनी है। कंक्रीट जितनी गाढ़ी होती है उसकी बहने की प्रकृति उतनी ही कम होती है। कंक्रीट हमारा जितना गाढ़ा होगा, मतलब जितना हार्ड होगा, जितना हार्श होगा, उसकी फ्लो करने की प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। अधिक गीली कंक्रीट की सुकारता भी अधिक होती है। अगर कंक्रीट हमारी गीली है तो उसकी सुकारता भी अधिक होगी। जैसे पहले पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कंक्रीट में जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे उसकी वर्कबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी, माने उसके फ्लो करने की प्रॉपर्टी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। इन टर्म ऑफ कंसिस्टेंसी के टर्म में हम बात करें तो फ्लो करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी तो उसकी वर्कबिलिटी इंक्रीज करेगी, फ्लो करने की प्रवृत्ति कम होगी तो उसकी वर्कबिलिटी हमारी कम हो जाएगी कंक्रीट की, ठीक है। कंक्रीट की सघनता मापने के लिए वीवी सघन मापी उपकरण प्रयोग की जाती है। हमको इस प्रैक्टिकल में कौन सा अपरेटस यूज कर रहे हैं, वीवी कंसिस्टोमीटर अपरेटस का उपयोग करते हैं। इस उपकरण का नाम इसके जो आविष्कारक थे श्री वी वार्नर के नाम पर पड़ा, जो इस उपकरण का आविष्कार किया था उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा। इस परीक्षण का सिद्धांत यह है कि ताजी सुघट कंक्रीट में जब कंपन उत्पन्न किया जाता है तो उसके अनियमित आकार की प्रवृत्ति समतल प्राप्त करने की होती है। इसका जो हमारा स्टेस्ट करने का हमारा जो सिद्धांत है ये है कि हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि जैसे हमने स्लम टेस्ट किया था तो हमारा सरफेस क्या था, ऊबड़ खाबड़ था। तो ऊबड़ खाबड़ सरफेस वाइब्रेट करने पे कितने समय में प्लेन हो जा रही है उसके हिसाब से हम कंक्रीट की क्या करेंगे, सघनता को हम पता करेंगे और सघनता के हिसाब से पता करेंगे कि कितना वर्किएबल हमारा कंक्रीट है, ठीक। इस आधार पर कंक्रीट के संकुचनक शक्ल के प्रतिदर्श को कंपन द्वारा बेलनाकार पिंड में परिवर्तित होने में जो समय लगता है उस सेकंड में ज्ञात किया जाता है। यह समय जितना अधिक होगा कंक्रीट सुकारता उतनी ही कम होगी। जैसे अभी मैंने बताया कि स्लम टेस्ट हमने किया, स्लम टेस्ट में क्या होता है कि वो फर्स्ट टर्म शेप का होता है, तो वो फर्स्ट टर्म शेप को सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट होने में जितना समय लगता है, जितना समय सेकेंड में लगता है,
उस सेकंड के हिसाब से हम पता करेंगे कि हमारा कितना वर्केबल है। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लग रहा, पानी की मात्रा कम है तो उसकी वर्केबिलिटी कम हो रही है, समय कम लग रहा है मतलब इजिली वो क्या हो रहा है फ्लो कर जा रहा है तो उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा। इस आधार पे हम क्या करेंगे, इसको पता करेंगे। वीबी कंसिस्टोमीटर परीक्षण कम जल सीमेंट अनुपात वाली कंक्रीट की सुगमता ज्ञात करने के लिए विशेष तौर पर उपयुक्त है। लो वाटर सीमेंट कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए हम वीबी कंसिस्टोमीटर ऑपरेटस का उपयोग करते हैं। इस परीक्षण की विशेषता यह है कि परीक्षण अवधि तथा कार्य स्थल पर कंक्रीट डालने की अवधि दोनों अवस्थाएं लगभग एक जैसी होती हैं। इसको हम साइट पे करते हैं क्योंकि जब हम कंक्रीट साइट पे बनाते हैं तो उसी समय उसका टेस्ट भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी सिद्धांत थी, थ्योरी थी कि हम इस प्रैक्टिकल के क्या सिद्धांत है। सिद्धांत मैंने जैसे कि बताया कि एक छिन्नक मतलब फर्स्ट टर्म शेप के कंक्रीट को कितने समय में वो बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसके हिसाब से हम पता करेंगे कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसी है। उच्च कंक्रीट की वर्केबिलिटी है कि लो वर्केबिलिटी है, पानी ज़्यादा है पानी कम है, ये हम उसके हिसाब से ज्ञात करेंगे, ठीक। अब इसमें उपकरण कौन कौन से लगते हैं, जैसे जो उपकरण यूज होता है वो हमारा वीबी कंसिस्टोमीटर ऑपरेटस होता है। इसमें 3000 कंपन प्रति मिनट वाली कंपन प्लेट होती है। इसमें क्या होता है कि एक वाइब्रेटर लगा रहता है, उसका रेट ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, 3000 वाइब्रेशन पर मिनट। 1 मिनट में 3000 बार वो वाइब्रेट करता है, उसका वाइब्रेशन देसी है। दोनों सिरे से खुला औपात शंकु साचा स्लंप वाला औपात हमारा रहता है, ठोकनी टैंपिंग रॉड स्टॉप वॉच हमारी, ये सब ऑपरेटर्स इसमें रहते हैं, ठीक है। इसको अब इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करते हैं, इस प्रैक्टिकल को हम दो चरण में करते हैं, ठीक। इस प्रैक्टिकल को हम क्या करते हैं, दो चरण में हम करते हैं। तो पहला चरण हमारा क्या है, पहले चरण में क्या करते हैं कि कंपन पटल के ऊपर बेलनाकार पात्र रखकर उसमें औपात शंकु साचा टीका दिया जाता है। पहले चरण में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो वाइब्रेटर होता है उस वाइब्रेटर के ऊपर हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर रखते हैं और उस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं अपना स्लंप कोन रख देते हैं, ठीक। औपात वाला शंकु हम क्या करते हैं इसके अंदर हम रख देते हैं। अब क्या करते हैं, अब फलक द्वारा शंकु सांचे के तैयार कंक्रीट 4 समान मोटाई में परत में भर देते हैं। अब क्या करते हैं कि कंक्रीट को सांचे में, कौन से सांचे में, औपात वाला जो सांचा है उसमें हम फिल करते हैं 3 लेयर में, और हर लेयर की 25 बार हम क्या करते हैं कुटाई करते हैं। भरते समय प्रत्येक कंक्रीट परत की मानक ठोकनी से 25 बार कुटाई की जाती है। अब फलक सांचे, अब फनल हटाकर कांच की प्लेट शंकु के ऊपर लगाई जाती है और सांचे में भरी कंक्रीट की ऊंचाई नोट कर ली जाती है। अब क्या करते हैं, जब 3 लेयर में कंक्रीट हमारी भर जाती है तो क्या करते हैं, उसके हम क्या करते हैं हाइट को मेजर कर लेते हैं, कोन की हाइट को मेजर कर लेते हैं। हमको पता है कि कोन की हाइट हमारी 30 सेंटीमीटर होता ही है, तो अगर नहीं पता रहता तो मेजर करते हैं, अगर पता रहता तो मेजर करने की आवश्यकता नहीं है, इस स्टेप को हम क्विट कर सकते हैं, ठीक। अब कांच को एक तरफ हटाकर शंकु सांचे को धीरे धीरे ऊपर उठा लिया जाता है। ऐसा करने पर कंक्रीट बेलनाकार सांचे में शंकु रूप में रह जाएगा और सांचे से हटने से कुछ नीचे को बैठ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कोन को जैसे हम स्लम्प टेस्ट में क्या करते थे कोन को उठाते थे, उसी तरीके से स्लम्प टेस्ट के जैसे कोन को उठाएंगे। जब हम कोन को उठाएंगे तो ये देखेंगे कि उसका कुछ हाइट हमारा ड्रॉप होगा। अब उस हाइट को हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे, या ऊंचाई आंशिक क्षण पर भी पढ़ी जाती है। दोनों पाठ्यांक का अंतर कंक्रीट का औपात होता है। पहला हम स्टेप ये करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, उसके हाइट को वापस से मेजर करेंगे, जितना लॉस हुआ रहेगा उस लॉस को निकाल लेंगे हाइट की। अब वो हमको पता चल जाएगा उसकी स्लंप वैल्यू, ठीक। अब कंपन प्लेट को चलाकर कंक्रीट शंकु में कंपन उत्पन्न किया जाता है और
साथ ही रुक घड़ी चला दी जाती है। अब दूसरे चरण में हम क्या करेंगे कि आप कंपन प्लेट को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। कंपन प्लेट हमारा क्या होगा, स्टार्ट हुआ, जब कंपन प्लेट स्टार्ट होगा तो अब हम उसकी टाइम को देखेंगे, ठीक। जैसे ही स्टार्ट करेंगे हम स्टॉप वॉच को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। कंपन प्लेट के कारण गीली कंक्रीट का संकुमा ढेर फैल कर सांचे का बेलनाकार रूप लेने लगता है। अब जो हमारा फर्स्टम शेप रहेगा वो सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट होने लगा, क्योंकि वाइब्रेटर स्टार्ट होगा, वाइब्रेटर स्टार्ट होगा तो उसको वाइब्रेट करेगा। जब कंक्रीट कांच तसरी की शीर्ष सतह से सटा कर लगाया जाता है, रोक घड़ी पे समय पढ़ ली जाती है। यह समय कंक्रीट के शंकु को बेलनाकार ग्रहण करने में लगा हुआ सेकेंड है। अब क्या करेंगे कि जब वो सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट होगा तो स्टॉप वॉच पे हम उस सेकेंड को, उस टाइम को नोट कर लेंगे। जितने समय में वो फर्स्ट टर्म शेप से सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट होगा उस समय को हम क्या करेंगे, उस समय को हम कहेंगे वो उसकी सघनता वैल्यू है। उस सघनता वैल्यू के हिसाब से हम कंक्रीट की वर्किबिलिटी का ज्ञात कर लेंगे। उस सेकेंड को हम क्या करते हैं, वीबी डिग्री से संबोधित करते हैं। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सेकेंड को वीबी डिग्री से, ठीक। अब यहाँ कंक्रीट का सारा वैल्यू दिया हुआ कि कितना वीबी डिग्री आएगा तो किस टाइप का हमारा कंक्रीट होगा। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर 40 से 20 डिग्री है, 40 से 20 डिग्री का मतलब 40 सेकंड से 20 सेकंड है, ठीक। तो हमारी कंक्रीट क्या है, बहुत कम सुकार है। उसकी वर्किबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है, नम मिट्टी जैसी। कैसी उसकी सघनता होगी, नम मिट्टी जैसी, मॉइस्ट अर्थ, मॉइस्ट सॉइल जैसी होगी, ठीक। अब अगर अगर वर्किबिलिटी, सॉरी कंसिस्टेंसी हमारी 20 से 10 सेकंड आती है तो ये क्या होगी, सुकारता इसकी कम होगी, वर्किबिलिटी बहुत ही कम होगी, बहुत शुष्क, वेरी ड्राई होगी। अगर 10 से 5 आता है तो कंक्रीट की सुकारता उपयोग से कुछ बेहतर होगी। अगर 10 से 5 आ रहा है तो ऊपर के दो के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इसकी वर्किबिलिटी थोड़ी अच्छी होगी। तो एक 5 से 3 सेकेंड आ रहा है तो हाथ में चिपकती है परंतु हथेलियों में थपथपाने पर गोल बन जाती है। इसकी सुकारता क्या होगी, अच्छी होगी। 5 से 3 वाले की सुकारता क्या होगी, अच्छी होगी। ये क्या होगा, प्लास्टिक होगा, सुघट्य होगा, ठीक। फिर 3 से 1 अर्ध ठोस अवस्था होगी, मतलब सुकारता बहुत ही अच्छी होगी। और 1 से कम क्या होगी, इसकी सुकारता अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, पृथक्करण होने लगेगा, ये फ्लूड के फॉर्म में हमारी आ जाएगी। ये जितनी भी वैल्यू अभी बताए हैं इसमें सबसे बढ़िया जो हमारी वैल्यू आती है वो सबसे बढ़िया वैल्यू ये 5 सेकंड से 3 सेकंड और 3 सेकंड से 1 सेकंड, ये वाला जो हमारा दो रेशियो है ये रेशियो सबसे बेहतरीन कहलाएगा। और इन दोनों में सबसे बढ़िया ये प्लास्टिक, क्योंकि हमको जो भी पेस्ट बनाना रहता है वो प्लास्टिक पेस्ट हमको अपना बनाना रहता है। एक तो ये हमारी सबसे बेहतरीन होगी। हवाई इस टेस्ट को हम बाकायदा फिगर बना के समझाने की कोशिश करते हैं। पहले इसमें ऑपरेटर्स हम देखते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले ऑपरेटर्स हमारे इसमें जो होगा, 2 मिनट पेन को बंद करें। सबसे पहला ऑपरेटर हमारा इसमें एक वाइब्रेटर होगा, ठीक। इस वाइब्रेटर के ऊपर हमारा एक सिलेंडर होगा, इस तरीके से कुछ।
ये हमारा वाइब्रेटर है जिसका रेशियो रेट क्या होता है, तीन हजार वाइब्रेशंस पर मिनट इसका क्या होता है, रेट होता है। ठीक, ये हमारा वाइब्रेटर हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया।
आइए इस प्रैक्टिकल को एक बार और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए क्या करेंगे कि ये हमारा इस तरीके से कुछ सिलेंडर होता है, सिलेंडर किस पे रहता है, हमारा वाइब्रेटर भी रहता है, और इसके अंदर हमारा क्या होता है, स्लंप कोन होता है। वही जैसे हम स्लंप टेस्ट करते थे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला लेयर भरेंगे, इसकी 25 बार हम क्या करेंगे, कुटाई करेंगे। नेक्स्ट दूसरा लेयर भरेंगे, इसकी 25 बार हम कुटाई करेंगे, और तीसरा लेयर भरेंगे, इसके हम क्या करेंगे, 25 बार कुटाई करेंगे। ये काम करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, इस कोन को हम ऊपर उठाएंगे। कोन को हम क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने से पहले हमने इसका डिस्टेंस मेजर किया हुआ है, ये डिस्टेंस हमारा D1 है, D1 कहेंगे। ठीक, अब हम जब इसको ऊपर उठाएंगे तो हम देखेंगे कि ये इस तरीके से कुछ इसमें कोलैप्स करेगा, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, D2 हो गया। ठीक, अब हम D1 - D2 करेंगे तो यहाँ से हमको निकल जाएगा क्या, जो वैल्यू आएगी ये हमारी स्लंप वैल्यू कहलाएगी। ये वैल्यू क्या कहलाएगी, स्लंप वैल्यू कहलाएगी। देखिए इसी प्रैक्टिकल हम दोनों कर ले रहे हैं, स्लंप टेस्ट भी कर रहे हैं, अभी भी कंसिस्टोमीटर टेस्ट तो हम कर ही रहे हैं। यहाँ तुमको क्या मिल गया, स्लंप वैल्यू मिल गया। ठीक, अब आगे बढ़िए, क्या करते हैं इसमें। ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा वाइब्रेटर है, अब इस तरीके से कुछ हमारा ये कोलैप्स हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच पे टाइमिंग स्टार्ट करेंगे, और उसी समय हम इस वाइब्रेटर को ऑन कर देंगे। जब वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो ये धीरे 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 क्या होगा, प्लेन होने लगेगा इस तरीके से, इस तरीके ये क्या करेगा, कटने लगेगा, और ये क्या होगा, प्लेन होने लगेगा, और एक समय आएगा कि ये एकदम प्लेन हो जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। जिस टाइम पे ये फ्लैट होगा उस टाइम को हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच पे उस टाइम को हम क्या करेंगे, उस टाइम को हम नोट कर लेंगे। ठीक, वो टाइम ही हमारी कहलाएगी कंसिस्टेंसी वैल्यू, वो टाइम हमारी क्या कहलाएगी, जो स्टॉप वॉच पे हमारा वो टाइम रहेगा सेकंड में, वही हमारी कहलाएगी कंसिस्टेंसी वैल्यू, जो रिप्रेजेंट करेगी वीवी डिग्री को। ठीक, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा किस तरीके की हमारी कंक्रीट है। अगर हमारा 40 से 20 सेकेंड रहता है, मतलब 40 सेकेंड से 20 सेकेंड या डिग्री में क्या है, तो 40 वीवी डिग्री से 20 वीवी डिग्री, तो हमारी क्या होगी, वर्किबिलिटी वेरी लो होगी, वेरी लो वर्किबिलिटी होगी। ठीक, अब वो किस तरीके का होगा, एक गील एक मॉइस्ट सॉइल के जैसे होगा। ठीक, अब हमारी कंसिस्टेंसी वैल्यू 20 से 10 आएगी। ठीक, 20 सेकेंड से 10 सेकेंड आएगी, तो ये वर्किबिलिटी कैसी होगी, लो वर्किबिलिटी कहलाएगी। ठीक, ड्राई सॉइल जैसी वर्किबिलिटी क्या होगी, लो होगी। अब हमारी वर्किबिलिटी जब हमारी 10 से 5 आएगी, ठीक, 10 से क्या आएगी 5 आएगी, तो हमारी ये नॉर्मल कहिए या मीडियम वर्किबिलिटी कहलाएगी। ठीक, अब हमारी वर्किबिलिटी 5 से 3 आएगी, तो हमारी गुड वर्किबिलिटी जो कहेंगे कि सबसे बेहतरीन, एकदम प्लास्टिक पेस्ट हमारा बन के तैयार होगा, तो वो कंडीशन आएगा। जब हमारी वर्किबिलिटी 3 से 1 आएगी तो हाई वर्किबिलिटी आएगी। ठीक, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये सेमी फ्लूड टाइप में होगी, अर्ध ठोस अवस्था में। ठीक, फ्लूड सेमी फ्लूड टाइप होगी और इसकी वर्किबिलिटी हाई होगी। जो लास्ट हमारा 1 सेकेंड से कम होगा, जैसे हम वाइब्रेटर ऑन किया वैसे वो क्या हो गया, फैल गया, तो हमारा किस स्टेट में होगा, फ्लूड स्टेट में होगा, पर इसकी वर्किबिलिटी वेरी हाई होगी, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हमको जो वर्किबिलिटी यूज़ करनी है वो 5 से 3 वाली, मतलब प्लास्टिक स्टेट वाली वर्किबिलिटी को यूज करना है, और नहीं तो 5 3 2 1 वाली, मतलब हाई वर्किबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट, एकदम जबरदस्त कौन सी वर्किबिलिटी होगी हमारी, 5 से 3
तीन वाली 5 सेकंड से 3 सेकंड वाली वर्कबिलिटी सबसे बढ़िया कहलाएगी। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वी बी डिग्री मैंने जो सेकंड में हमारी वैल्यू आई रहती है और औपात परीक्षण में, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि हमारी स्लंप वैल्यू और वी बी कंसिस्टोमीटर वैल्यू के बीच में एक रेशियो टाइप पे बनता है, एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। ठीक, ये वी बी कंसिस्टोमीटर टेस्ट हम क्यों करते हैं, जब वर्किबिलिटी बहुत लो रहती है, मैंने बहुत कम वर्किबिलिटी रहती है उस केस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये टेस्ट हम क्या फाइंड करने के लिए करते हैं, वर्किबिलिटी को टेस्ट करने के लिए करते हैं। अभी तक जो मैंने वर्किबिलिटी में तीन टेस्ट बताया, स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, ये तीनों टेस्ट आपके प्रैक्टिस आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ना कि सिर्फ आपके कोर्स के लिए, आपके पेपर के लिए, और ये आपके अदर चीज़ के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी सबसे ज़रूरी टेस्ट है, कंक्रीट की सबसे इम्पोर्टेंट ये तीन टेस्ट हैं। ठीक, ये मोस्ट थ्री इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं जो जो साइट पे परफॉर्म किए जाते हैं, जो साइट ए वर्कबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, वो हमारी स्लम्प टेस्ट कहलाती है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो टेस्ट है हमारी हमारी स्लम्प वैल्यू टेस्ट है। तो इसको आप तीनों टेस्ट को बढ़िया से प्रिपेयर करिएगा अपने पेपर के लिए तैयार करिएगा। पेपर देने के लिए ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पेपर में ज़रूर पूछेगा। ये सेकेंड ईयर में आप एक किताब है सिविल में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें ये तीन टेस्ट में से एक टेस्ट मैक्सिमम बार पूछा जाता है, हर एक साल कभी ना कभी पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो इस टेस्ट को आप भी एकदम तैयार करिए कि इस टेस्ट को बढ़िया से प्रिपेयर करिए, जब वो सीटी में पूछ सकता है तो जाहिर सी बात है कि आपके सब्जेक्ट आपके बीएमसी या जनरल इंजीनियरिंग के कोर्स में भी ये क्या होता है पूछ सकता है। और ये कंक्रीट का हुआ टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ठीक, आपके सब्जेक्ट के लिए आपके बीटी का ये फेवरेट क्वेश्चन स्लम टेस्ट है, स्लम टेस्ट कई बार पूछा गया है। ठीक है, कोई समस्या होगी तो मैं ऑनलाइन क्लास आपका ले ही रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास में आपका लेता ही हूँ। ठीक, या आप हमको फ़ोन करके भी उस टेस्ट को समझना अगर अगर होगा तो आप हमसे समझ सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इस तीन वीडियो के जरिए आपको इन तीनों टेस्ट को बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप इसको समझ के पेपर में अगर आए तो आप बहुत ही इजीली अपने वर्ल्ड में जब समझे रहेंगे तो उसको बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। ठीक, इसीलिए मैंने इसको समझाने की आपको बेहतरीन तरीके की कोशिश की है कि आप इसको समझ के पेपर में इजीली बढ़िया से बेहतरीन तरीके से लिख पाए। ठीक, तो ये तीनों टेस्ट करते क्यों हैं, वर्किबिलिटी फाइंड करने को, किसकी वर्किबिलिटी, कंक्रीट की वर्किबिलिटी, कंक्रीट की वर्किबिलिटी फाइंड करके हमको मिलेगा क्या, कंक्रीट की वर्किबिलिटी फाइंड करके हमको ये पता चलेगा कि कंक्रीट से हम कितना आसानी से कार्य कर सकते हैं। कंक्रीट की वर्किबिलिटी ज़्यादा होगी तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी। कंक्रीट की वर्किबिलिटी क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो हाई होगा। कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो हाई होगा तो क्या होगा, कंक्रीट में वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होगा। कंक्रीट में वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कंक्रीट की वर्कबिलिटी इंक्रीज करेगी। वर्कबिलिटी इंक्रीज करेगी तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। आई होप आपको ये तीनों टेस्ट जो पिछले दो वीडियो में बताए हो, ये आज के वीडियो में बताए हो, कंक्रीट की वर्कबिलिटी टेस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।